नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। और चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अभी जो हमने सीरीज शुरू की है आपके लिए, एक ऐसे टॉपिक की शुरू की है जो एवरीग्रीन टॉपिक है। यानी अगर सीधा सीधा कहें तो सदाबहार टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ इन टॉपिकों से जो हो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं आपका दोस्त गोविंद सैनी। चलिए आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर मानवाधिकार आयोग, क्या कार्य है मानवाधिकार आयोग के, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार की संस्था है, इन सभी बिंदुओं पर आज के इस सेशन में हम जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अधिकार हमने एक तो फंडामेंटल राइट सुन रखा है, और आजकल तो आपको पता है कि इनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। तो फंडामेंटल राइट एंड मानवाधिकार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इस वीडियो की जो शुरुआत करते हैं। देखिए, फंडामेंटल जो राइट है हमारे, वो हमें संविधान ने प्रोवाइड किए हैं। और फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो केवल और केवल इसमें जो भारत के नागरिक है उन्हीं पे लागू होते हैं। अर्थात मैं ये कहूं कि फंडामेंटल राइट अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है तो उस पर भारत में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो हमें संविधान ने एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए दिए हैं, वो कौन से राइट हैं, वो हमारे हैं फंडामेंटल राइट। और मानवाधिकार जो है वो किसी देश विशेष के लिए या किसी देश की सीमा के अंदर ये बंधे हुए नहीं है। अर्थात हमारे देश के अंदर चाहे या हम भी कहीं किसी भी विश्व के देश में रहें, हमें भी जो है मानवाधिकार के अंदर जो है वो संरक्षण प्राप्त होता है। तो मानवाधिकार जो है वो ऑल ओवर पूरे विश्व के अंदर लागू है। ठीक है, चाहे आप किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, आपको मानवाधिकार का जो है वो बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो चलिए मानवाधिकार की बात करते हैं, कहां से इनकी शुरुआत होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मानवाधिकार कि मानव को जो कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ये कहां से आता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये बात है 1946 की, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है वो 1946 के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिषद की जो स्थापना की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में इस परिषद के जरिए जो है वो एक आयोग का गठन करवाया। किसका गठन करवाता है, ये एक आयोग बनाया जाता है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं एलोनोट रूजवेल्ट की अध्यक्षता के अंदर जो है वो एक आयोग बनाया जाता है। और इस आयोग को कार्य दिया गया कि आप जो हो मानव अधिकारों की रूपरेखा तैयार कीजिए कि कौन कौन से अधिकार जो है वो विश्व के मानव को प्राप्त होने चाहिए। पहल किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी जो है पहल की थी। एक आयोग बनाया, आयोग को काम दिया गया। जून 1948 में आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी कि इस प्रकार से जो है वो मानव के पास कुछ राइट होने चाहिए जो मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने एक स्वरूप तैयार करके किसको दिया, संयुक्त राष्ट्र को दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को इस स्वरूप को एक्सेप्ट करते हुए क्या किया, मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा की, मानव अधिकारों की क्या की, विश्वव्यापी घोषणा की कि विश्व के प्रत्येक मानव को जो है वो ये अधिकार जो हो दिए जाएंगे, कुछ अधिकार। ठीक है, तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई थी, दिसंबर 1948 के अंदर की गई थी। और इसी समय जो है वो क्या किया गया था, एक संधि की गई थी। और उसके अंदर जो भारत, देखिए संधि कब की गई थी, इसके लिए 10 दिसंबर 1966 के अंदर सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक संधि तैयार की गई थी। और इसके अंदर सभी देशों को आमंत्रित किया गया कि भाई आप आइए, इसका अध्ययन कीजिए और आप इसमें शामिल होइए। तो इस संधि के तहत 10 दिसंबर 1966 में जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संधि की गई, इसके तहत जो है 10 अप्रैल 1979 के अंदर भारत जो इसके अंदर शामिल होता है और मानव अधिकारों को जो है वो एक्सेप्ट करता है कि भाई हम भी जो है वो इस
संधि के अंदर जो शामिल होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत इस मुहिम का जो है सदस्य बनता है और इसके अंदर जो है शामिल होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आपका 1995 से लेकर 2004 तक का जो समय दिया गया था उसमें यह कहा गया कि जो भी विश्व का कोई भी देश जो अभी तक मानव अधिकारों को लागू नहीं किया है उनको 10 वर्ष का समय दिया जाता है। ये 10 वर्ष की जो ये दशक जो है ये मानव अधिकार संरक्षण दशक के रूप में मनाया जाता है और विश्व के सभी देशों से अपील की जाती है कि आप भी जो इस मुहिम के अंदर जो हो क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए और बहुत सारे देश इसमें जो हो शामिल होते हैं। तो ये है आपका 1995 से 2004 तक का 10 वर्ष का समय। अब भारत इसका जो सदस्य बन जाता है कब बन जाता है, भारत इसका सदस्य अप्रैल 1979 में भारत इसके संधि पर हस्ताक्षर करता है और 23 सितंबर 1993 के अंदर HRC यानी ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 भारत की जो संसद के अंदर पारित कर दिया जाता है और एक्ट पारित होने के कुछ समय ही बाद 10 अक्टूबर 1993 के अंदर जो रंगनाथ मिश्र जो कि उस टाइम के न्यायाधीश थे तो इनकी अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश है इनकी अध्यक्षता में जो है वो ये प्रथम, अब क्वेश्चन बनता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम अध्यक्ष भी इसके जो है रंगनाथ मिश्र बने थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में जो है वो भारत के अंदर HRC ह्यूमन राइट कमीशन की जो है स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। ये तो हो गया अपना नेशनल स्तर पर। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर इसी एक्ट HRC एक्ट 1993 की धारा 21 एक के तहत, धारा 21(1) के तहत जो है वो 18 जनवरी 1999 को, कब 18 जनवरी 1999 को क्या किया गया, राज्य के अंदर जो है वो HRC यानी राजस्थान राज्य ह्यूमन राइट कमीशन की जो है वो स्थापना की गई और इसने जो है वो मार्च 2000 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे, हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इससे निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे। और इसके अंदर सदस्यों की बात करते हैं तो टोटल इसके अंदर जो 1+5 = 4 यानी 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अंदर कितने सदस्य हैं, सदस्य यानी कुल कितने सदस्य हैं, तो 1+4 आपको 5 बताना है। केवल सदस्य पूछे तो 4 बताना है। अगर पूछ लिया जाए कि सदस्य पूर्णकालीन तथा पदेन सदस्यों सहित कितने हैं, तो आपको याद रखना है यहां आपको 4+9 बताना है, क्योंकि एक तो अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है, इसके अलावा 4 सदस्य पूर्णकालीन होते हैं और 4 जो सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। पूर्णकालीन सदस्यों की अगर हम चर्चा करते हैं कि पूर्णकालीन जो सदस्य है उसके अंदर कौन कौन आएगा, तो पूर्णकालीन सदस्यों के अंदर कौन कौन आते हैं इसके बारे में चर्चा करें, तो पूर्णकालीन सदस्यों के अंदर सबसे पहले जो आते हैं अध्यक्ष आते हैं अपने, और अध्यक्ष कौन बनते हैं इसके, जो उच्च न्यायालय है हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो रिटायर्ड हो या अभी सेवा में हो, दोनों में से कोई एक को जो है यहां पर बनाया जाता है। तो अध्यक्ष बनता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा सदस्यों की बात करते हैं तो एक सदस्य तो इसमें उच्च न्यायालय का एक और दूसरा न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होता है वो आता है एक सदस्य इसके अंदर। इसके अलावा एक जिला न्यायाधीश आता है इसके अंदर 2 नंबर सदस्य, और 2 और 3 यानी 3 और 4 नंबर जो सदस्य होते हैं वो ऐसे व्यक्ति जिनको मानव अधिकारों की जानकारी हो, जिनको लंबे समय तक का इसके अंदर कार्य करने का अनुभव हो और इस विषय से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ हो, उनको उनमें से 2 सदस्यों को इसमें जो चयन किया जाता है। और इस प्रकार 1+4 यानी इसके टोटल 5 सदस्य जो बनते हैं। अब बात करते हैं पदेन सदस्यों की, तो पदेन सदस्यों की अगर हम चर्चा करते हैं तो पदेन सदस्यों के अंदर जो इसमें आते हैं वो कौन आते हैं, तो जितने भी हमारे आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जाति आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, यानी ये जो 4 आयोग है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष,
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, इसी प्रकार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, तो इनके चार सदस्य ये क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा जांच कैसे करता है। आपको पता है कि अभी थोड़े समय पहले ही जो है वो लगभग दिसंबर के करीब जो है वो एक एनकाउंटर हो जाता है हैदराबाद के अंदर, कुछ रेप के आरोपियों का पुलिस जो है एनकाउंटर कर दिया है, जनता ने काफी समर्थन किया और ऐसा होना भी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं और आशा है आप भी पक्ष में होंगे। लेकिन फिर भी जो मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं वो यहां पर पहुंच जाते हैं पैरवी करते हुए उन अपराधियों की कि भाई इनको कानूनी रूप से जो है सजा मिलनी चाहिए था, इसका इस प्रकार से एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, ऐसे काफी मुद्दे उन्होंने उठाए। चलिए वो एक जांचकालिक विषय है, यानी इसका काम क्या है मानवाधिकार आयोग का, तो इसका मुख्य काम क्या है, जैसे राज्य के अंदर या देश के अंदर जितनी भी जेलें हैं, ठीक है, क्या उन जेलों के अंदर वहां रहने वाले जो कैदी हैं उनके साथ मानव जैसा व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बाल गृह है, अपराधी है, कोई पुलिस किसी को अगर मान लो कोई पुलिस हिरासत के अंदर कोई व्यक्ति मर जाता है या पुलिस किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करती है, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे एक पुलिस ने उसी टाइम हैदराबाद एनकाउंटर में ये बात कही थी कि देखिए जी हम तो इनको जो है वो मौका वारदात पर लेके गए थे और चूंकि मानवाधिकार आयोग उन्होंने एक टॉपिक का उपयोग किया कि देखिए कोर्ट का एक पुराना डिसीजन है कि जब तक कोई खूंखार अपराधी नहीं होना, कोई जबरदस्त वाला भयंकर तत्व का कोई अपराधी नहीं हो, खूंखार अपराधी नहीं हो, तब तक आप उसको क्या नहीं पहना सकते हो, हथकड़ी नहीं पहना सकते हो, ठीक है। तो पुलिस ने कहा कि देखिए हमने इनको हथकड़ी पहना नहीं रखी थी और सीधे सीधे हमारे साथ चल रहे थे, इन्होंने हमसे भाग लिया आगे, हथियार खोस लिया हमारे जो ऑफिसर थे उनके, तो हम पर हमला किया इसलिए हमें जो है इनको मारना पड़ा। तो इस प्रकार की जो ये कार्य करते हैं, यानी समाज के अंदर मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो उनके साथ, हालांकि अपराधी हो या साधारण व्यक्ति हो, उस किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, जो एक मानव को अधिकार मिलने चाहिए वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपराधी हो, सामान्य व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, इस बात की ये ध्यान रखते हैं मानव अधिकार आयोग का कार्य। तो ये जो जांच करता है वो अनुसूचित 7 सेकंड और थर्ड के तहत जांच करता है, नियुक्ति इसकी कौन करता है, देखिएगा नियुक्ति कौन करता है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, इसी प्रकार सेम है, सेम सेंटर की है, सेंटर में राष्ट्रपति, यहां पर राज्यपाल, राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, और ये मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्ट नहीं करता है, ये क्या करता है राज्यपाल, राज्यपाल का काम है कि वो एक कमेटी बना देता है, एक समिति बना दी जाती है सीएम की अध्यक्षता में, और इसके अंदर जो सीएम होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के या उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्य सदस्य जो इसमें होते हैं वो होते हैं आपके विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य गृह मंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, और अगर राज्य के अंदर विधान परिषद का भी कोई प्रावधान है, जैसे राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, लेकिन जहां पर विधान परिषद होती है वहां विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद के अंदर भी विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं, और ये जो नाम रिकमेंड करते हैं किसको, राज्यपाल को, और राज्यपाल उनको जो है वो नियुक्त कर देता है। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, यानी त्याग पत्र किसको देंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे, देखिए पूछा जाता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं, तो त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, पद से कौन हटा सकता है, पद से हटाना, तो पद से कौन हटा सकता है इनको, राष्ट्रपति हटा सकता है, कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, वही कंडीशन लागू होगी, राष्ट्रपति कैसे हटाएगा, कदाचार, किसके आरोप में, कदाचार के आरोप में,
कदाचार के आरोप में, ठीक है, कदाचार के आरोप में राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटा सकता है। इसकी जांच कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। एक तो कदाचार के आरोप में इनको हटाया जा सकता है, इसके अलावा अगर ये दिवालिया हो जाते हैं, किसी अन्य लाभ के पद पर ये नियुक्त हो जाते हैं, शारीरिक या मानसिक विकृति आ जाती है इनके अंदर, या पागल हो जाते हैं, विकृत चित्त हो जाते हैं, या नैतिक अधमता वाले अपराधों में ये शामिल हो जाते हैं, तो इनको जो है राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, हटा सकता है। इसके बाद इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो कार्यकाल जो इनका रहता है वो पांच वर्ष या कार्यकाल लिखना था यहां पर, कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में से जो कम हो, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन लगती है कि मान लीजिए कोई सदस्य है, ठीक है, मान लीजिए ये सदस्य है और इसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है, या मान लीजिए ये अध्यक्ष है और यहां से सेवानिवृत्त होके राज्य आयोग से सेवानिवृत्त होके केंद्रीय आयोग में चला जाता है, तो दोनों को मिलाकर ही यहां पर जो 70 वर्ष की जो लिमिट है वो रखी जाएगी, ठीक है। यानी सदस्य के रूप में और अध्यक्ष के रूप में 5-5 वर्ष का इनका जो कार्यकाल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल आपके सामने लिख दिया गया है, कार्य क्या है इनका, कार्य क्या है, क्या काम करती है ये जो काम है राज्य मानवाधिकार आयोग का या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो काम की हमने बात कर ली है। सिफारिश करता है, ये सलाहकार है, सलाहकारी संस्था है, ये क्या है, कैसी संस्था है, सिफारिश करना, सलाह देना, लेकिन याद रखिएगा दंड नहीं दे सकते हैं, ये दंड का प्रावधान नहीं। किसी भी अपराधी को मान लीजिए इन्होंने जांच की और कोई अपराधी साबित हो जाता है तो उसको दंड देने का अधिकार इनके पास नहीं है, किसी भी अपराधी को ये दंड नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, आर्थिक सहायता नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, ये केवल जांच कर सकते हैं, ठीक है, जांच कर सकते हैं और जांच करके संबंधित विभाग को या न्यायालय को जो इसके बारे में अवगत करवा सकते हैं, ठीक है। कैसा चरित्र, कैसा है इसका, यानी कैसी संस्था है, तो ये एक न्यायिक संस्था है, कैसी संस्था है कि ये एक न्यायिक संस्था है, ठीक है। चरित्र कैसा है, न्यायिक संस्था का, जितनी पावर या जितनी शक्तियां उच्च न्यायालय के पास होती है, उच्च न्यायालय के पास होती है उतनी ही शक्तियां इनके पास होती है जांच के लिए, लेकिन ये किसी को दंड नहीं दे सकते हैं और आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा आर्थिक सहायता, ये दो काम ये नहीं कर सकते हैं। बाकी उनका जो चरित्र कैसा होता है, न्यायिक हो सकता है, इनका जांच के लिए स्वयं का जांच दल भी होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जांच के लिए स्वयं का जांच दल, ठीक है, अपनी टीम से ये जांच करवा सकते हैं, चाहे तो ये सहायता ले सकते हैं किसी भी एजेंसी की। और इनको शिकायत कितने समय में की जा सकती है, मान लीजिए आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, ठीक है, तो आप कितने समय में इनकी सहायता, इनसे अपील कर सकते हो, तो आपके साथ घटना घटने के समय, घटना घटने के 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर ही आप इनको शिकायत कर सकते हो और 1 वर्ष के अंदर ही यह क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसके अलावा इनको 1 वर्ष से ज्यादा का जो अधिकार नहीं है, यानी 1 वर्ष पुराने मामले पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आशा है आज आपको समझ में आया होगा। क्विक रिव्यू अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के सदस्य कितने होते हैं, तो 1+4, अगर साथ में पदेन पूछ ले तो 1+4+4, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यीय कमेटी, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 सदस्यीय कमेटी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राजस्थान के अंदर जो मानवाधिकार आयोग है उसकी नियुक्ति के लिए कितने सदस्य कमेटी है, तो राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो यहां पर कितने सदस्य कमेटी है, 4 सदस्य कमेटी है यहां पर, ठीक है, कितने सदस्य कमेटी है, 4 सदस्य कमेटी है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो यह न्यायिक संस्था है, मानवाधिकार के पास कौन सा अधिकार नहीं है, दंड देने का और आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी कम हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके गलत नहीं होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।